वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग ग्लोबल स्पेक्ट्रम। तो आज चलते हैं हम दुर्गा पूजा की, जो कि आपको दिखाऊंगा, जो कि बहुत बड़ा पंडाल लगा पड़ा है। तो दुर्गा पूजा का तो आपको वो दिखाता हूँ, इन्फॉर्मेशन देता हूँ, डिटेल में टाइमिंग टिकट बताऊँ, पार्किंग चार्ज करता हूँ, तो वहाँ पर चलता है विजिलेंस लेकर। तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, वीडियो में जाना उन तक बने रहूँगा, और वीडियो को स्किप नहीं करूँगा, तो मज़ा नहीं आया वीडियो में। तो चलते हैं और मुझे देखो, जो कि फाइनली पहुँच चुके हैं सिलमपुर मेट्रो स्टेशन में, बट बहुत रात हो गई है तो अंधेरा ज़्यादा हो गया, तो चलो जल्दी विजिट करते हैं और पहुँचते हैं। मेट्रो गाड़ी चार्ज करा लेते पहले। तो वहीं पर पंडाल पे चलते हैं और बताते हैं आपको इन्फॉर्मेशन। मेट्रो स्टेशन की बात करें तो ग्रेटर कैलाश है इसका नजदीक मेट्रो स्टेशन, तो बाहर में मेट्रो के आ गया हूँ। तो अब चलते हैं। पार्किंग जो कि यहाँ पे फ्री है पार्किंग, तो एक वहाँ पार्किंग है, तो फोर व्हीलर की वहाँ पार्किंग है, टू व्हीलर की यहाँ पार्किंग है। और जो कि इसका एंट्री गेट है ये है, जो कि इस तरीके का उस एंट्री गेट है, तो एंटर करते हैं अंदर की साइड। तो इधर से एग्जिट है, उधर से एंट्री है, तो वहाँ से एंट्री करनी है तो वहाँ से करते हैं एंट्री। चलो चलते हैं अंदर। तो फाइनली एंट्री हमने कर ली है, जो कि अंदर तो कुछ अंदर का ऐसे आके कुछ इंटरनल है, जो कि यहाँ पे आप शंख वंख ले सकते हैं, जो कि ये कुछ सामान है। तो जो कि इंटरनल है, उधर की साइड स्टॉल विस्टॉल लग रहे होंगे, तो दुर्गा माँ की मूर्ति जो है वो ये है। तो कुछ इस तरीके का इंटरनल अंदर आके, जो कि मूर्ति है, तो मूर्ति के बट मूर्ति वहाँ है, तो मूर्ति के पीछे यहाँ पे तो स्टॉल लगे पड़े, जो कि आप सब सामान ले सकते हो कुछ भी, जो कि अलग अलग तरह के स्टॉल है, खाने पीने के है, जो कि इधर खाने के स्टॉल हैं, और इधर जो कि है लेने का सामान है, जो कि आप ले सकते हो कुछ भी। दो गर्ल्स का सामान है उधर की साइड, आप देख रहे होंगे, तो ये गर्ल्स का सामान है। और ये बात करी जाए तो आगे की, आगे इधर मेला लगा है, तो आप मेला दिखाते हैं आपको। तो कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन है इसकी। तो और आगे बात करी जाए तो देखो, जैसे गुड़िया के बाल होगा इधर की साइड, तो गुड़िया के बाल भी ले सकते हो आप। तो इधर रियल गाड़ी है, दो बच्चों की गाड़ी होती है, तो कुछ इस तरीके की गाड़ी, ये कुछ इस तरह की रेल गाड़ी, ये कुछ इस तरीके की है। तो एक ये है, तो यहाँ पे बॉल से निशाना लगाना है, ये कुछ इस तरीके का। अंकल क्या चार्जेज है इसके, क्या चार्जेज है? 60 रुपये कितने? 12 रुपये 100 रुपये के कितने? 100 रुपये के 10 है ये, जो कि आप इसने क्या, तो 100 रुपये के 10 है ये। और जो कि बात करी है इसकी, तो रेलगाड़ी की, ये कुछ इस तरीके की है, तो इस तरीके के चार्जेस कुछ इस तरीके का। तो बात करिए और मिक्की माउस की, तो मिक्की माउस है ये, ये कुछ इस तरीके का मिक्की माउस है यहाँ पे। तो इसकी चार्जेस की बात करी जाए तो इसका चार्ज के लिए कोई है या नहीं है यहाँ पर, तो मिक्की माउस। अंकल जी क्या चार्जेस है रेलगाड़ी की? 100 रुपये। और मिक्की माउस की? 100 रुपीज़। तो इसकी भी 100 रुपीज़ है और इसकी भी 100 रुपीज़ है, कुछ इस तरीके की, मतलब 100 रुपये 100 रुपये दोनों के। तो ये है एक जंपिंग वाला, जो कि इस तरीके का है कुछ। तो यहाँ पे किससे पूछे, यहाँ पे तो कोई है नहीं। तो खाने पीने के स्टॉल मिल सकते हैं, जो कि दिल्ली 6 के स्टॉल हैं यहाँ पे, जो कि आपको दिखाओ दिल्ली 6, वो इस तरीके के स्टॉल हैं। तो बात करी जाए इन सब चीज़ों की, तो कुछ इस तरीके का है, जो कि आप नंबर डाल के फंसा सकते हो, कुछ भी ले सकते हो उनमें से। भैया क्या चार्जेज है इसके? 50 के 5, जो कि 50 के 5 है, जो कि आप जिसमें इसमें किसी में भी डाल के, तो आप जो सस्ता है आपको, जो से ओरियो बिस्कुट हो गया, नंबर 1 साबुन हो गया, तो कुछ भी आप ले सकते हो, जो कि नंबर देखो नहीं फंस डाल गए तो कुछ फंस नहीं पा रहा इनका, तो इस तरीके का। और कुछ खाने के स्टॉल जो कि इधर की छेल्ड है, तो और बात करी जाए इसकी, तो इसकी भाई ये बॉल वाला कैसे गेम है? 50 के सारे गिराने हैं, एक साइड के, तो मतलब ये नीचे गिराने हैं, वहीं पर ही ऊपर गिरने चाहिए। तो कुछ इस तरीके की है इनकी इन्फॉर्मेशन। तो बात करिए इसकी, तो खाने के लिए मोमोज है, पेटे मेटे सब लाउड है इधर। तो कुछ बात करिए तो कुछ नहीं, बस इतना है स्टॉल है यहाँ पे है।
तो इस तरीके का दिस किंग ऑफ कैटफिश, तो इस तरीके का है कुछ अंडे वंडे का कुछ, जो कि कुछ इस तरीके का है जो कि आप देख सकते हो, तो कुछ इस तरीके का है जो कि आप ले सकते हो। पूरा मेन्यू है ये इसका, एक इसका मेन्यू ये है और एक मेन्यू है कुछ इस तरीके का है फूड्स कोलकाता कटी रोल्स, तो इसके क्या कोलकाता कटी रोल्स, तो 300 रुपये का कुछ इसका मेन्यू एक ये है। तो इसके मेन्यू की बात करी जाए तो एक मेन्यू ये है, तो ये कुछ इस तरीके का मेन्यू है इसका, तो ये मेन्यू है। तो एक ये चीज़ें खाने के लिए हैं, तो इधर पानी की बोतल ले सकते हो, जो कि पानी की बोतल की व्यवस्था पूरी है। तो बात करी जाए इसकी दिल्ली 6 कटिंग रोल, तो दिल्ली 6 कटिंग रोल है, तो किस तरीके का कटिंग रोल है जो कि बन रहा है यहाँ पे। तो और बात करी जाए इसकी दिल्ली 6 मसाला चाप, तो मसाला चाप है 150 रुपये की, कचौरी चाप 200 रुपये की, मलाई चाप 250 रुपये की, पनीर मलाई टिक्का तो 250 रुपये, कुछ इस तरीके का इन्फॉर्मेशन जो कि यहाँ पे है उस तरीके का है खाने पीने का। तो आप इसकी बात करी जाए तो मसाला डोसा 100 रुपये का, बटर मसाला डोसा 150 रुपये का, तो कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन है जो कि है इसकी। तो हर तरह की चीज़ें यहाँ पे खाने के लिए, जो कि छोले भटूरे भी है दिल्ली 6 के, छोले भटूरे कुछ दिल्ली 650 रुपये की है, जिस तरीके के जो कि बन रहे हैं यहाँ पे। तो गुड़िया के बाल भी है जो कि इस तरीके का, तो इस तरीके का है। और बात करी जाए और आगे चीज़ों की, तो और आगे चीज़ देखते हैं कि क्या क्या चीज़ है और अंदर। तो ज़्यादा चीज़ है नहीं यहाँ पे, जो कि है जो कि मैंने आपको दिखा दिया है, क्योंकि इधर कुछ जो कि होता है तो इनमें, तो इस तरीके का है मैंने जो कि इस तरीके करी जाए तो उसकी। जो कि यहाँ से आप ले सकते हो कुछ भी जो कुछ इस तरीके का है। तो बात करी जाए आगे की, तो आगे चलते हैं। तो ये टिकट काउंटर है जो कि यहाँ का है टिकट काउंटर, ये कुछ लेना हो तो वहाँ से टिकट कटवा सकते हैं। तो और बात करी जाए और कुछ, तो और कुछ तो है नहीं, जो है आपको बता दिया है इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई, तो कुछ इस तरह की है जो मैंने आपको दिखा दिया। अंदर है आगे तो और भी है, तो आपको मैं दिखाता हूँ आपको, जो कि मैं बाहर ले आया हूँ, जो कि खाने के स्टॉल बहुत सारे हैं बाहर भी। तो अब दूसरी जगह चलते हैं, एक और जगह जो दूसरी जगह है, तो उसके बारे में देता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन, वो दिखाते हैं आपको, जो कि उसका एंट्री गेट कुछ इस तरीके का होने वाला है, जो कि कुछ यहाँ से एंट्री है इसकी, तो वहाँ से हमारे को एग्जिट एंट्री करनी पड़ेगी। तो ये लगा रखा बीच में बैनर, जो कि हम बीच में से घुस नहीं सकते, तो वहाँ चलते हैं और अब एंट्री करते हैं और अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो के लिए अलग लाइन है, तो बॉयज़ों के लिए अलग लाइन है। तो जैसे कुछ इस तरह की है, नो स्मोकिंग जो कि लिखा है इस पर, तो कुछ एंट्री गेट इसका ऐसा है, तो लेडीज़ इधर है, गर्ल्स इधर, जेंट्स इधर है। फाइनली हमने एंट्री कर चुके हैं अंदर, तो कुछ इस तरीके का अंदर एंट्री करते के साथ ही, तो एंट्री लिखा है जो कि है, तो आपको जो कि यहाँ पे इवेंट होते हैं, जो कि एक दिन में अभी आपको दिखाता हूँ आपको जो जो होता है यहाँ पे। तो पहले आपको पंडाल दिखा दूँ यहाँ का, तो पंडाल के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको। पंडाल जो कि यहाँ पे बहुत क्राउड है, तो कल का लास्ट दिन है, तो आज क्राउड ही क्राउड है, क्योंकि पास तक मुश्किल ही देख पाएंगे हम। तो जल्दी से चलते हैं, जो कि जितनी पास हो सके उतनी पास चलते हैं, जो कि आपको दिखाते हैं पूरा पंडाल, जो कि पंडाल बहुत बढ़िया सजा रखा है यहाँ का। तो पंडाल पंडाल पंडाल, तो पंडाल को दिखाना है आपको, तो कुछ पंडाल इस तरह का है यहाँ से। जो कि आपको आगे चल के इतना सा दिखा पाया, जो कि भीड़ बहुत है जो कि आपको दिख रही होगी, तो बट आगे तक मैं पहुंच नहीं पाया, तो मैं जितना पहुंच पाया मैंने उतना दिखा दिया आपको। तो कुछ इस तरीके का है इसका सजावट,
तो यहाँ पे तो साउंड लगा हुआ है यहाँ पे, तो कुछ होता होगा तो आपको बता देंगे यहाँ पे क्या होता है। फाइनली आरती का टाइम हो गया, तो पूजा करवाते हैं, आरती करवाते हैं, तो आपको वीडियो दिखाते हैं आरती। आगे तक तो पहुंच नहीं पा रहे हैं, यहाँ से टीवी पे देख लेते हैं। हेलो 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 Thank you so much. देख सकते हैं ये जो भी दिख रहे हैं आपको हॉट डॉग, ये सब जो कि खाने के स्टॉल है जो कि आप सामने देख रहे हैं पूरे आपको, तो वहाँ पे प्रोग्राम चालू हो गया है, तो अब हम ये दिखाने के लिए आए हैं आपको। तो और बात करी है तो उधर की साइड की, तो उधर की साइड चलते हैं अब हम। तो इसकी मेन्यू ये है, करते हैं बाहर हम, तो बहुत कुछ दिखा दिया आपको मैंने, तो एग्जिट करते हैं बाहर, तो बाहर चलते हैं। मैं बाहर आ चुका हूँ और बहुत क्राउड हो गया है, तो मैं चलता हूँ अपने घर। तो आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिखा दी, जो जो था आपको अंदर दिखा दिया, तो यहाँ पे कर देते हैं ब्लॉग को समाप्त और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।